और वो कया करे ने लाग्योड़ी के ऊपर लाग गया करे, मतलब 1-1.5 महीना हो गया इसने। मैं गोल भी ना कर रही थी इतनी, ज्यादा दर्द होने लग गया था, बस कुछ काम भी ना बना था, सारे काम मां मारा ही। मम्मी का मैं काम कर रहा हूँ, मम्मी का देखो यो हाथ, इसके चोट लगी थी तो मुड़ गया था, और फिर इसके पत्ती बना के लाया था, फिर दवाई लगा रखी। हेलो जी, राम राम जी सारा ने, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और सबसे पहले तो भाई, चैनल पर नए आए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दियो। और भैया आज की वीडियो में ये है कि आज मैं जा रही थी रोहतक के क्रम जा रही थी, आए हाँ जस्ट आए पाच मैंने वीडियो स्टार्ट करी, कपड़े कपड़े चेंज करे हैं तो सवेरे तो जल्दी जल्दी मैं तैयार होके गई थी। मैं काम भी इतना ज़्यादा ना करके गई थी, बस मोटा मोटा करके गई थी, क्योंकि शानवी का स्कूल में पेपर चल रहे हैं, जो टेस्ट होया कर रहे हैं एग्जाम से पहले वो चल रहे हैं। अब हमारी भाषा में तो हम कच्चे पेपर बोल दिया करते, तो वो चल रहे। शानवी जा रही थी स्कूल में तो वो 2:30 बजे आया करे, तो हम न्यू एस्टिमेट से लगा के गई थी कि 2:30 बजे तो पहले आ जाओगे, इतने शानवी भी स्कूल में तो आ जाओगे, इसका दादा ले आओगा रोड पर, तो फिर वह नू बेरा पाटे पाचक बेरो तक जा रहे वा रो है गी मखा डट्टे को नहीं, तो 2:30 तो पहले आ जावांगे। इसने भी कुछ काम था रो तक, भाई कुछ रसोई का सामान भी लेके आना था, सामान तो यो भी ले आता रसोई का, मैं लिख के दे दूँ यो ले आया करे। तो मेरे ना इसमें गुट्ठे में दर्द हो रहा था, यो कई बार ना ठुक लिया था नू, मतलब नू ठुक जाया कर नू कई बार, और वो कया करे ना लाग्योड़ी के ऊपर लाग गया करे, मतलब 1-1.5 महीना हो गया इसने। मैं गोल भी ना कर रही थी इतनी, तो 2-3 दिन पहला फिर टूट गया था, उसके बाद है ना इसमें इतनी चीज लागने लग गई थी, कुत्ती सोजन भी आ गई थी इस, मैं ज़्यादा दर्द होने लग गया था, बस कुछ काम भी ना बना था, सारे काम आ मड़ा ही। चून आटा लगाऊं तो भी अड़ा है, रोटी बेलूँ तो भी अड़ा है, बर्तन साफ करूँ तो भी, कपड़े मन परसों मशीन लगा ली थी तो बस मन वो पूरे करने मुश्किल हो गए, मैंने लगाते ली इतना दर्द हो गया बहुत ज़्यादा। फिर बोला चल आज मैं भी काम है, मैं ड्यूटी की छुट्टी ले ले हूँ, और चल तेरा गुट्ठा भी दिखा लाऊंगा, रसोई का सामान भी ले आवाँगे, और थोड़े टाइम तो चल पड़ा कुछ काम कर ले, कुछ आके कर लिए, तो मैं बर्तन बर्तन साफ करने छूट गई थी, और तो मैं कर गई थी काम, पोछा की बिटाड़ कर दी थी मैंने, तो ये पोछा भी 3 दिन लागनी है, या पट्टी 3 दिन के बाद फिर दोबारा दिखा के आना है, तो उसके बाद देखो ये बोर पट्टी कराएगा के कराएगा, नस नस जबरी बताई थी, नस रुक गई थी जिसकी वजह से सूजन आ गई थी, भाई वो खून सा रुक गया नस का दबने के कारण, और उसकी वजह से दर्द हो गया था, वो खून का सर्कुल से मतलब खून चल रहा को नहीं नस में, वहाँ दब गई नस सी, तो 2-3 दिन रखनी है उसके बाद दिखानी है, देखो वो दोबारा पट्टी करेगा खोल देगा इसने, इतने पोचा पाचा तो मेरे तो लागे भी नहीं, तो बहुत मतलब एक तो फिलहाल तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है दर्द, भी वो छेड़ सा दिया ना इस वजह से, इसमें ज़्यादा चीज़ी बन रही है। तो चले गए थे फिर वो वहाँ पे, मैं अगर सूट करती तो मैं मारा, यो फ़ोन था जो मैं इसमें वीडियो बनाने लग रही हूँ, गुम हो गया था, गुम क्यों गया था मतलब इसे की जेब में डाल रखा था मैंने एक्टिवा पे, तो फोन फान आए 1-2 बार इसने उठाए ना, मारा तो यो बहम था कि तुम डॉक्टर के भूल के मखा यो गुट्ठा दिखाया जब, यार के फिर मखा कि तेरे रास्ते में चलते नहीं तू चलते स्कूटी पे बात करके मखा गालन लग गया है, वो जेब में डल्या को ना कि रोड पर पड़ा है, सारा दिन फोन मिलाए गए कोई फोन ही नहीं उठावे, मखा ये भी तो क्यों उठाओगा अगले ने फोन मिल गया, तो कुत्ती मैं तो जमा रोन भी लागी थी मखान, देख मेरा तो फोन गुम हो गया, फोन का इतना को नहीं था, फोन तो और भी आ जाओगे मेरा चैनल का घना धोखा लागर, तो फिर ना मार्केट में एक मतलब वो मिल गई थी कजन, तो वो घर पर ले गई थी, तो वहाँ पर हम बैठे ना सोफे पर चाय पीने लग गए, जब इसकी जेब मत निकल के वो सोफे के साइड में गिर के ना उसमें नीचे चला गया, नीचे जो कट्टा सा लग गया करो उसके अंदर नीचे डल गया, बिल्कुल नीचे भी कोने पड़ा सोफे के नीचे फंस गया, उस उनके घर भी हमने ढूंढा, फिर दोबारा जाके दोबारा डॉक्टर का भी गए, जिस जिस रोड पर कम गए थे सारा कब रोड पर तो केपड़ा पाव था, डॉक्टर का भी नहीं मिला, ओड़े भी नहीं मिला, फिर हम भी आए गए थे,
लग रहे थे रास्ते में, तो मन भले आज मंगलवार है, एक दर्जन केड़े ले लिए। मैं कहूँ तो जाते टाइम भी थी इसने, फिर जाते टाइम गुड़िया सोवा थी, मैं खाई बेबे सोवा है, इधर रहने दे, अंतनी घेर देवांगे। राम एक कूड़ा हुआ है उस पर बंदर हुआ है, तो मैं खा मंगलवार भी है आज, तो मैं खा चाली वहाँ जानतन याद कर ली, मैं अंतन तो बेबे सोवा थी, कदे भूल जाओ मखा टेंशन में, केड़े खावा के चल लाँगे। मैं खा बोला ठीक नू कहीं ना, इतनी देर में मैं फ़ोन तो मिलाने लग रही थी, एक्टिवा पर बैठी बैठी पीछे पीछे, मैंने कहा कोई उठाए ले अगर आप पहुँचते पहला, कोई उठा के बताए दे वही तारा फोन मार दो रहे हमने मिल रहा है। तो इतनी देर में उसने दीदी ने उठा लिया फ़ोन और बोली कि मेरे दो रहा है, मैं उन्होंने सोफा बैठ के रोटी खाऊँ थी, मिलान में लागे रही थी, बोला गूँ गूँ क्या आवाज आई, मैंने सारा ढूंढा नीचे भी सारा भी, लास्ट में घनी देर में समझ में आई कि वो तो इसका नीचे फंस रहा है, जब वो कट्टा है पाड़ के उसने दीदी ने निकाला, जब फोन उठाया मारा, जब बताई कि यो अड़े है, फिर हम दोबारा गए वापस, फिर फोन लेके आए तो, और वो वाइब्रेशन पो रहा था उसकी घंटी बिराना किस तरह बंद हो रही थी, वाइब्रेशन पो था वो गूं गूं कर रहा था, उसकी घंटी तो बाजती होती थी उसी टाइम, हम उसके घर पर मिला मिला देखा थे और बैठे थे, जब कित पड़ गया कोई उठाए लेवा कोई उठाए लेवा, तो वाइब्रेशन पर था उस टाइम तो घुनी आवाज़ आई, फिर बेरानों को थी, मैं बाद में रोटी खाऊं थी इस पर बैठ के, जब घू घू की आवाज़ आवे और समझ में बिला मेरा भी घनी देर माई की इसके नीचे राड़ा फंस गया है, तो चलो शुक्र है मिल गया, ना तो फोन घूमे हो गया था सामने, माम तो वापिस हो लिए थे रोहतक तक निकल भी लिए थे घर नान खातर, तो बस वो बांदरा निकले गिरण का जिक्र कराया थे टाइम, उसी टाइम उसने फ़ोन उठा लिया, मैं चलो ले बाबा ने सुन तो ली फोन देवा था दिया मखा, फिर हम केड़े खाने देखे आए वापस जाके फ़ोन लेके आए, इस वजह तो लेट हो गई ना तो जल्दी भी जाऊँ आरामे, और कुछ डॉक्टर का भी भीड़ पा गई थी, तो सामान सामून पहले ही ले लिया था हमने, आने लग रही थी रास्ते में, और बस शाम का काम करूँगी, बर्तन भी सवेर के रखे हैं, दर्द भी ज़्यादा हो रहा हाथ में, कुकर करूँगी क्या करूँगी बेरा ना, देखूंगी कैसे निपटेगा कैसे बनाएगा काम, ये तो ही मैं कर लूँ थोड़ा सा काम, उसके बाद मिलते हैं, और कपड़े भी मेरे काल आड़े दम सूखे कौन थे, शाम हो गई थी धोते धोते तो आधे तो सूख गए थे, जो उस दिन मैं धो लिए थे मैं तो थोड़े ही रह रहे थे, सीली पैंट पॉन्ट में ऊपर सुखा रखे हैं आधे कपड़े, तो वह भी उतार के लियाँगी मैं, सूख जाऊँगी सवेरे जाती जाती सुखा गई थी, थोड़ा काम कर लूँ। और यहाँ पर उसके बाद लगी थी मैं रोटी बनान, और भैया तो मैं थोड़ा दर्द हो रहा था ना इस वजह तो लोही को ना बने थी आंगलियाँ, तो बेल तो ले थी तो यह मैंने सन में बिठा रखी थी, तो रहा मैं इसने चून तोड़ तोड़ के देखूँ थी, हाँ तू ऐसे गोल गोल घुमा के ने और लोही बना दे सानू, बेल तो मैं लेऊँगी, यो गुट्ठ में ज़्यादा दर्द हो रहा था थोड़ा हा, तो भी खाना बनाना में मेरी बिटिया ने मेरी करी बोल हेल्प, खराब हो रहा था और उत्ते भी हो गए तो सारी बुत्ते होया था आज, ये तला तो गई मम्मी का मैं काम कराओ, मम्मी का देखो यो हाथ इसके गुत्था यार चोट लग गई थी, वो मुड़ गया था और फिर इसके पत्ती बना के लाया था, फिर दवाई लगा रखी।
सुना था वो बुलुरा वो मुझे बता तू क्यों सुना बाबू और भाई यहाँ पर लागी थी मैं जो कपड़े धो के सुखा रखे थे वो उतार ले आई थी उनकी तय करूँ थी प्रेस करने का तो टाइम कौन था लेट हो रहा था फिर मैं इनकी तय कर दर दू हूँ प्रेस फिर बाद में करी जाओगी थोड़ा साथ में आराम हो जाएगा ना जब रेशान में भी लाग रही थी साथ में कपड़े की तय करवाना मम्मी तेरा हाथ का चोट लाग रही है आज तेरा सारा काम करवाऊंगी मैं। तो यह थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दियो और कमेंट करके बताइयो किसी लागी कितके कमी लागी और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो। तो ये काम कुम करके खाना खुना खा लिया था हमने मैं कपड़े की तय के सो जाऊंगे तो हमने भी सारा ने गुड नाइट और राम राम जी।